जी क्या हालचाल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज जतिन सेठी और वेलकम दिस व्लॉगिंग ट्रैवलर्स। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, टाइम हो रहा है, देख लो आप, 9 बजे व्लॉग शुरू कर रहा हूँ 9:15 पे। और आज भी एक छोटा सा व्लॉग ही बनेगा क्योंकि आज थोड़ा देखता है कहीं जाने आने का। फ़ोन बज रहा है, अरे किसका फ़ोन बज रहा है। प्लान कहीं, अगर कहीं जा सकते हैं तो, ऐसे तो लगता नहीं मुझे कहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत प्लान बना लेते हैं कि जाने का। और आशीष भी यहाँ पे नहीं है, आशीष जा रखा है अपने गाँव और आनो भी उठ गया और अभी जाए भी गाँव। आशीष भी अपने गाँव जा रखा है, वो 2-3 दिन बाद आएगा गाँव से, तो देखते हैं क्या होता है थोड़ा। और हाँ, मैंने जो सरप्राइज़ के बारे में बताया तो अभी नहीं बताऊंगा, कुछ टाइम बाद बताऊंगा सरप्राइज़ के बारे में। तो जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो, सरप्राइज़ भी आने वाला है बहुत तगड़े तगड़े। तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को। तो गाइस, हम ना अभी वैष्णो देवी गए थे, तो वैष्णो देवी से ये लेके आए थे केसर, 50 रुपये का डब्बा था। मुझे तो लगता नहीं रियल होगा इतना सारा केसर 50 रुपये का, वो भी 2 डब्बी, 1 डब्बी 50 की। मैंने तो बोल के भी लिया था कि 100 रुपये में 3 दे दो, अगर दे रहे तो तब भी 3 ले लिए। लेकिन ये नहीं पता कि ये रियल है कि फेक है, पता नहीं क्या है, ये रियल है कि फेक है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है ठीक है। इसका टेस्ट तो ठीक था, एक बार पिया था मैंने। तो अभी ना गाइस थोड़ा बाजार की तरफ जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के आएंगे। अगर बैठे बैठे तो बोर हो रहे हैं, तो मामा भी चल रहे हैं मेरे साथ। एक तो ये लोग पता नहीं रोड कब ठीक करेंगे यार, मामा है पूरी वहाँ तक की रोड ख़राब कर रही है। अभी देखना, वहीं तक का दिखाता हूँ आपको पूरा सीन। ये देखो, खुदाई कर करके पूरा ख़राब कर रखा। पाइपलाइन बिछाने का था बस, एक वो बिछा दी, अब क्यों कर रखे हैं, तोड़ दी कम से कम, ठीक तो कर दो। रोड सही कर दी, यहाँ की रोड ही पहले खराब थी है ना, अब सही कर दी, बहुत सही कर दी। और ऐसी कर दो यार उधर की रोड भी, तो यहाँ की तो रोड पूरी ठीक हो रही है। फिलहाल गाइस मैं बैराज की तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा आजकल थोड़ा सुंदर सा हो रहा है थोड़ा बहुत। और अभी फिलहाल बैराज को अच्छा बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं लोग बाकी। और वैसे बैराज की तरफ ना सब ने जाली वगैरह भी लगा दी, अब मतलब पहले थी नहीं जाली वगैरह, तो अब जाली भी लगा दी है यहाँ पे ना। हाँ, ये जाली तो थी पहले से, हाँ पानी की तरफ जाली लगा रही है। देखो इस तरफ तो है नहीं जाली, इस तरफ दिखाता हूँ मैं, यहाँ से मोड़ता हूँ, देखो इस तरफ जाली वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे रोकते हैं थोड़ी देर, थोड़े से सिनेमैटिक बनाते हैं, तो थोड़े से सिनेमैटिक एंजॉय करो। 3, 2, 1 गाइज, एक और चीज़ बताओ ना, तो ये बहुत टाइम, कुछ टाइम बाद टूरिस्ट प्लेस ही बनने वाली है। टूरिस्ट प्लेस तो है, टूरिस्ट वगैरह प्लेस है, लेकिन और अच्छी बनने वाली है टूरिस्ट प्लेस कुछ टाइम बाद। तो अभी फिलहाल इधर का व्यू देखो, और जो जाली वगैरह की बात कर रहा था तो उस तरफ है वो जाली वगैरह, वो देखो आपको दिख रही होगी उस तरफ जाली वगैरह है, डैम है छोटा सा। तो दिखाता हूँ उधर चल के, अभी निकलते हैं उधर ही, तो चलते हैं फिलहाल अभी, चलो। तो गाइस यहाँ एक बार भीड़ चेक करो, तगड़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है। ये जाली वगैरह की बात कर रहा था, तो ये जाली थी वो इसकी मैं बात कर रहा था। ये वाली जाली की बात कर रहा था मैं, ये जाली लग रही है यहाँ। वैसे यहाँ पे ना थोड़ा ये था कि ये थोड़ा टूरिस्ट प्लेस है बन रही है, इसलिए ये लग रही है, क्योंकि यहाँ से कोई गिर भी जाता था थोड़ा वो भी है, डर भी है यहाँ पे थोड़ा सुसाइड वगैरह का, तो इसलिए यहाँ जाली वगैरह भी लगा रही है। ऊपर वायर्स हैं नीचे जाली, और ये थोड़ा सही कर दिया, पहले था नहीं ये सब, पहले ये पीछे गई थी, थोड़ा सा दिखाना था बस आप लोगों को कि कैसा बन रखा है। और जाए भी कहाँ, आशीष अपने गाँव में पड़ा हुआ, तो अभी निकलते हैं।
गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और अभी अंदर जाता हूं और थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करता हूं, थोड़ी देर देखता हूं क्या क्या करना है। और सोना भी था मुझे, नींद भी बड़ी तेज आ रही है, तो चलते हैं अभी अंदर। 6 hours later तो गाइस मैं ना अभी थोड़ा आराम वगैरह कर रहा था, बाकी थोड़ी देर ऐसे बैठा हुआ था तो टाइम का पता नहीं चला। और थोड़ी देर सो भी गया तो देखा तो 6 बज चुके हैं और मेरा दुकान जाने का टाइम हो रखा है, तो दुकान से आके मिलता हूँ। तो बार बार दुकान भी क्या दिखाऊँ, तो दुकान से आने के बाद देखते हैं कहीं चलते हैं घूमने घामने। तो दुकान से आने के बाद देखते हैं, 8 बजे करीबन आऊँगा, 7:30-8 बजे करीबन, तब देखते हैं कहीं चलेंगे। तो फिलहाल अभी निकलता हूँ दुकान के लिए। और हाँ एक और चीज़, रात के टाइम पर बिराजना बड़ा तगड़ा दिखता है, तो रात के टाइम पर अगर टाइम मिला तो जाएंगे दुकान से उधर जाएंगे, फिर बिराज वगैरह दिखाऊंगा आपको। और बिराज अभी दिन के टाइम तो अभी थोड़ा ऐसे ही लगता है, रात का टाइम और प्यारा सा हो जाता है। और आजकल तो पुलिस वगैरह भी घूम रहे हैं बिराज में, क्योंकि ईद वगैरह का फेस्टिवल था ना। तो गाइस ये है हमारी दुकान, JK फास्ट फूड, तो यहाँ लगाते हैं हम दुकान, देख लो आप। थोड़ा अभी कस्टमर नहीं है तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट ही कर लूँ। और ये देखिए ये है बन टिक्की वगैरह बनती है, बर्गर वगैरह, वो ये है स्प्रिंग रोल, कबाब, मोमोज और चाउमीन, सूप वगैरह। हाँ उनके हो गए थे पैसे, बाकी जिसको आना है खाना है मुझे से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट मैंने आपको बता ही रखा है, रेट थंबनेल में मिल गया था आपको, जो कबाब का रेट है वो सिर्फ 10 रुपये है, ये रेट कहीं नहीं होगा, 10 रुपये का कबाब है, 20 रुपये के स्प्रिंग रोल हैं, 20 के पीस फ्राई स्टीम सेम रेट है, और जो बर्गर वगैरह 25 रुपये है सिर्फ बर्गर का रेट, और सूप 10 रुपये है, 10 रुपये बाउल, ये 10 रुपये बाउल सूप मिलता है, चाउमीन 20 रुपये हाफ है, 10 रुपये की भी चाउमीन मिल जाती है। दुकान से निकल चुका हूँ तो अभी निकलते हैं डायरेक्ट बिराज में चलते हैं, बिराज दिखाता हूँ आपको कैसा हो रखा होगा। अभी रात के टाइम पे लाइटें वगैरह आ जाती है ना उधर, तो तब दिखाते हैं कि कैसा होगा बिराज अभी के टाइम पे, कैसा लग रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा। एक बार मैं ले गया था उस टाइम टाइम नहीं मिला था, ज़्यादा लंबा ब्लॉग खींच गया था तो मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं था, लेकिन आज देख लेना कि थोड़ा बहुत कैसा दिखता है बिराज। और साथ में गए बिराज की ना मैं सिनेमैटिक वगैरह भी डाल दूँगा, पूरी एक वीडियो बना के डाल दूँगा सिनेमैटिक टाइप, वो इंस्टाग्राम पर डाल दूँगा, तो फिलहाल देख लेना उधर इंस्टाग्राम पर, जल्दी जाओ और फॉलो कर लो, आपने फॉलो नहीं कर रखा इंस्टाग्राम पे, जल्दी जाओ और फॉलो कर लो। तो अभी नीचे उतर रहे हैं, गाइस बिराज ना कुछ इस तरीके का दिखता है, कैमरे में इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा, वैसे बहुत प्यारा है बिराज अपना, तो दिखाएंगे आपको, थोड़ा आगे चलते हैं उसके बाद रोकते हैं स्कूटी, वहाँ दिखाते हैं ढंग से सिनेमैटिक वगैरह। तो गाइस अभी बिराज पहुँच चुका हूँ और सिनेमैटिक वगैरह देखना है तो ये चेक कीजिए गाइस। सब्जी वगैरह ले ली इधर से, सब्जी एक गेम है, तो अब यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट घर। ओहो यार गाइस यहाँ की रोड देखो जरा यार, करवा दे यार यहाँ की सही करवा दो रोड, क्या करवा रखा है, ओ देखो जरा रोड खुद ही देखो, नशिया नशिया घर आ गया अपना घर गाइस, यहाँ रुकते हैं जल्दी से और सामान निकालते हैं और चलते हैं अंदर। घर आ चुका है और आज ना यहाँ पे भी लाइट लगी है, यहाँ ख़राब हुई थी लाइट, आज इधर भी लगी है और उधर भी लग चुकी है लाइट, तो बड़े टाइम बाद लगाई लाइट, चलो इतना तो कर ही दिया, फिलहाल लगी है सामान निकालते हैं और चलते हैं अंदर। तो गाइस घर पहुँच चुके हैं और थोड़ा मुँह हाथों के फ्रेश हो जाता हूँ, और अभी टाइम देखो टाइम हो रहे हैं 9 बजने वाले, मैं थोड़ा लेट हो गया जाने में, चलो कोई नहीं क्योंकि थोड़ा घूम फिर के भी आया ना बिराज वगैरह दिखा के भी आया, तो अभी मिलता हूँ थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, मुँह धो लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैं जस्ट निकला हूँ मुँह हाथ धो के निकला हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर निकला हूँ,
जस्ट अभी। और हाँ, एक और चीज़ बतानी थी, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उधर मैं अपडेट देता रहता हूँ नई नई वीडियोस की। मेरा नया वाला प्रैंक चैनल है, उसकी भी वीडियोस वगैरह देता रहता हूँ, तो थोड़ी इंटरेस्टिंग रील्स और ब्लॉग्स वगैरह आते रहते हैं। जल्दी जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ फॉलो कर लो, और दूसरे चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं गाइस इसी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।